साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे जयंती 1 अगस्त के अवसर पर पिछले 16 वर्षों से उत्तर नागपुर में मेधावी छात्रों और कलाकारों का सम्मान और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मिशन सभागृह लश्करी बाग में किया गया। चिंतक लेखक डॉक्टर धनराज डहाट की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरविंद रामटेके, उपायुक्त आयकर प्रकाश नाथ पाटनकर, गायक पुष्पाताई बोथा धम्मपारा, सुरेश कामले उपायुक्त आयकर, संजय पोहरकर उपायुक्त आयकर, राजस्व अधिकारी गुप्ता, इन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक बालू खड़े ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। इस अवसर पर 32 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चित्रंजन चौरे, शुभम खड़े, धर्मपाल गजपे, राहुल मेश्राम, संदेश खोपड़ाकड़े, रोशन धवले, शतम खड़े, पिंकी इंदुरकर, उल्का आदि ने कठिन परिश्रम किया। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।